गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। पिछले क्लास में मैंने एक वाक्य में उत्तर लिखिए, क्वेश्चंस और आंसर दोनों लिखी थी। हेडिंग आपको क्या लिखना चाहिए? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आज हम दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखती हूँ, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखती हूँ। आपको हेडिंग क्या लिखना चाहिए? दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। अभी दो तीन वाक्यों के प्रश्न को अमर और हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हेडिंग सेकंड में दो तीन वाक्यों में सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं? एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं? मिलजुल कर रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ एकता में बल है, एकता में बल है। हमारी सद्भावना भी, हमारी सद्भावना भी एक ही होना चाहिए। गिरे हुए को तुरंत उठाइए। गिरे हुए, इसका मतलब, इसका क्या अर्थ है? उसे कैसे उठाना चाहिए? प्रश्न क्या है?
गिरे हुए को तुरंत उठाइए। गिरे हुए का अर्थ क्या है, उसे कैसे उठाना चाहिए। बच्चों प्रश्न लिखती हूँ मैं, गिरे हुए को चाहिए। प्रश्न तीन, थर्ड क्वेश्चन है, हट चोरे संयम अपनाए, इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हट छोड़े संयम अपनाए,
वाक्य से क्या अर्थ है, क्या अर्थ प्रकट होता है। हट छोड़े संयम अपनाए, छोड़े संयम, हट छोड़े संयम अपनाए। क्या क्या अर्थ प्रकट होता है, प्रकट होता है। उत्तर, हमें किसी भी काम के लिए हट नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी काम के लिए हट नहीं करना चाहिए। देश के जनता के लिए और देश के लिए, देश के जनता के लिए, देश के जनता के लिए और देश की प्रगति के लिए, और देश की प्रगति के लिए, और देश के प्रगति के लिए, देश के प्रगति के लिए हमें हमें हर काम हमें हर काम संयम से करना चाहिए, हर काम संयम से करना चाहिए, करना करना चाहिए। थर्ड का आंसर भी हुआ है बच्चों। तुम लोग कल मैंने बोली थी पिछले क्लास में, पहले आप लोग पद्य लिखना है चित्र सहित, बाद में कलर डालना चाहिए चित्र को, उसके बाद आप लोग परिचय, लेखक की परिचय आप लोग लिखना है। लेकिन ये क्या है, पद्य संकलित है, इसके लिए जरूरी नहीं है। इसके लिए इसके बाद आप पद्य लिखने के बाद आप लोग क्या करना चाहिए, पद्य के बाद शब्दार्थ लिख लीजिए, उसके बाद हिंदी में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आज मैंने जो लिखी हूँ ना, ये क्या है, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए हिंदी में। अभी मैं आंसर पढ़ाती हूँ। पहला प्रश्न है, एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं। एकता से रहते सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता से रहते सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता में बल है हमारी सद्भावना भी एक ही होना चाहिए, एकता में बल है हमारी सद्भावना भी एक ही
होता है। हमें किसी भी काम के लिए हट नहीं करना चाहिए, देश के लिए, देश के जनता के लिए और देश की प्रगति के लिए हमें हर काम संयम से करना चाहिए। अभी तीन क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी मैंने लिखी हूँ, आप लोग क्लास में बुक में सभी आंसर्स कॉपी कर लीजिए। इसके बाद क्या है, नमूने के अनुसार तुक वाले शब्द लिखिए। पिछले क्लास में ऑलरेडी मैंने तुक वाले शब्दों को लिखी थी, आप लोग और थोड़ा ज्यादा सभी पद में तुक वाले शब्द को ढूंढकर आप लोग सभी शब्दों को तुक वाले शब्दों को लिख सकते हैं। तुक वाले मीन्स राइमिंग वर्ड्स, वो भी एक दो तीन क्वेश्चन आंसर्स के बाद आप लोग तुक वाले शब्द लिखिए क्लास वर्क बुक में। उसके बाद क्या है, खाली जगह भरिए। खाली जगह भरिए ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में क्या की थी, खाली जगह भरिए वो भी लिखी हूँ, आप लोग वो भी क्लास वर्क बुक में कॉपी कर लीजिए। खाली जगह और इस कविता को आप लोग क्या करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। प्रार्थना पद्य को आप लोग क्या करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। आपका आज का होम असाइनमेंट क्या है, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। आप लोग किसमें लिखना है, क्लास वर्क बुक में लिखना है। नीचे मैं लिखती हूँ, बाद आप लोग क्या करना है, क्लास बुक में लिखना चाहिए। हम लोग कर चुके हैं, खत्म हो चुका है। अगले क्लास में मैं क्या करती हूँ, मिर्च मसाला इसके बारे में क्वेश्चन आंसर वो सब देती हूँ। आप लोग ये सब लिखने के बाद क्या करना चाहिए, मिर्च मसाला चित्र आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में दिखाई थी, आप लोग मिर्च मसाला का चित्र निकाल के क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। बाद में मैं क्या शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर सभी देती हूँ। अभी आप लोग घर में क्या करना चाहिए, वन सेंटेंस आंसर भी लर्न, वन सेंटेंस आंसर आल्सो। बच्चों आज का क्लास खत्म हुआ, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।